सीए पर सीजे चंद्रचूड़ ने खोली मोदी सरकार की पोल, बोले मोदी सरकार के पास बुनियादी ढांचा नहीं है। पीसीजीआई ने भेज दिया मोदी सरकार को नोटिस। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ विभिन्न अहम मामलों में सुनाए गए अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के खिलाफ दायर 200 से अधिक याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को तय की। सीएए को भारत की संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। यह कानून व्यापक बहस और विरोध का विषय रहा है। सीए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। यह कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले उन प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है जो अपने संबंधित देशों में धार्मिक उत्पीड़न का शिकार है और 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं। क्या है पूरी खबर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये बताएं, क्या सीजीआई चंद्रचूड़ अब तक के सबसे बेहतरीन चीफ जस्टिस हैं? और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएस टीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीएए पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने खोली मोदी सरकार की पोल। सीजीआई ने कहा कि उनके पास नागरिकता देने के लिए बुनियादी ढांचा नहीं है, उन्हें त्रिस्तरीय कमेटी बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को नागरिकता दी जाती है तो याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आजादी होगी। हालांकि सीजीआई ने अधिसूचना पर रोक लगाने के याचिकाकर्ताओं की मांग को स्वीकार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र का जवाब मिलने के बाद ही फैसला करेगा। याचिकाकर्ताओं में ये प्रमुख नाम है शामिल। याचिकाकर्ताओं में केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता देवव्रत सेकिया, एनजीओ रिहाई मंच और सिटीजंस अगेंस्ट हेट, असम एडवोकेट एसोसिएशन और कुछ कानून के छात्र शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसने क्या दलील दी? केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से इंदिरा जयसिंह ने इसे लागू करने पर रोक लगाने की मांग की और कहा इस मामले को बड़ी बेंच के सामने भेजा जाए। कोर्ट ने पूछा केंद्र सरकार कब तक जवाब दाखिल करेगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि नोटिफिकेशन 4 साल 3 महीने बाद जारी हुआ, अगर नागरिकता देना शुरू हुआ तो उसे वापस लेना संभव नहीं होगा, ऐसे में नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए। सिब्बल ने कहा कि नोटिफिकेशन पर रोक लगाई जाए और कुछ लोगों को सिटीजनशिप दी गई, अगर रोक नहीं लगाई गई तो उन याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चाहे किसी को नागरिकता मिले या ना मिले, याचिकाकर्ताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस पर इंदिरा जयसिंह ने कहा कि ये मामला संवैधानिक जांच का विषय है।